हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ट्रेंडिंग अफेयर्स। दोस्तों, आज हम जानेंगे IPPB अकाउंट को जीपे, फ़ोनपे, पेटीएम या किसी और UPI ऐप से लिंक कर सकते हैं या नहीं। बहुत से लोगों को अभी भी इसके बारे में डाउट है, तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। इस बार डाकिया डाक के साथ बैंक भी लाया। भारतीय डाक आपके दरवाजे तक बैंक लेकर आ गई है, भारतीय डाक की IPPB के साथ। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, आपका बैंक आपके द्वारा। सबसे पहले समझिए फ्रेंड्स कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मतलब IPPB अकाउंट क्या है और पोस्ट ऑफिस का बचत खाता क्या है। देखिए दोस्तों, IPPB एक डिजिटल अकाउंट है। ये खाता आप घर बैठे ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हो और किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर IPPB ब्रांच में खोल सकते हो। इसमें एक बात आपको समझना होगा कि जो अकाउंट आप खुद से IPPB ऐप से ओपन करते हो, उसका KYC आपको 12 महीने यानी एक साल के अंदर IPPB ब्रांच में जाकर करवाना होगा, तभी आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर पाओगे। अगर आप KYC नहीं करवाते हो दोस्तों, तो आप जैसा पैसा जमा तो कर पाएंगे लेकिन ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। और इसका आपको ना पासबुक दिया जाएगा, ना ही कोई ATM कार्ड दिया जाएगा। चूँकि ये डिजिटल अकाउंट है, इसका डेबिट कार्ड भी वर्चुअल होगा, जो आपको आपके IPPB ऐप में ही शो करेगा। और दोस्तों, ये अकाउंट बिल्कुल सिक्योर है, सेफ़ है दोस्तों, किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या इस अकाउंट को किसी UPI ऐप से लिंक कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं, जैसा आप लोग अपने बैंक अकाउंट पेटीएम, फ़ोनपे, जीपे से लिंक करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से IPPB अकाउंट को भी लिंक किया जा सकता है। और आप इससे ऑनलाइन शॉपिंग, बिजली बिल इत्यादि कार्य भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस वाले अकाउंट की। तो दोस्तों, पोस्ट ऑफिस वाले अकाउंट को आप किसी भी UPI ऐप से लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरी तरह से अभी डिजिटल नहीं है। हालांकि इसका नेट बैंकिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस काउंटर पर DOP इंटरनेट बैंकिंग का फॉर्म फिलअप करके देना होगा। हाँ, एक बात और दोस्तों, आप अपना IPPB अकाउंट पोस्ट ऑफिस वाले अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। इससे आप अपने पोस्ट ऑफिस अकाउंट से IPPB में फ़ंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, इसका जवाब मैं आपको दूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहें।